स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये मिनी एलपीजी पिगी बैंक, जिसको हमने स्प्रे पेंटिंग से कलर किया है। डीआईवाई क्राफ्ट के अंदर आप इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो रियल गैस सिलेंडर एलपीजी का होता है, उसका कलर जो है उसको पूरा तरीके से करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखें, सबसे पहले ये जो नॉर्मल मिट्टी का पिगी बैंक है, इसको हमने पहले वाइट कलर से पूरा इसको किया है, और फिर ये सूखने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आया। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये सूख चुका है, इसको हमने धूप में सुखाया था। अब हम इसके ऊपर जो है स्प्रे कलर करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं स्प्रे कलर का कैन, और इसी स्प्रे कलर से हम इसे स्प्रे कलर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर जो है लाल कलर इसके ऊपर नज़र आ रहा है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जो है दिखाई दे रहा है। ये मिनी एलपीजी सिलेंडर जो कि मिट्टी का है, इसके ऊपर ये लाल स्प्रे कलर बहुत ही सुंदर जो है नज़र आ रहा है। अब हम इसे चारों तरफ से पूरी तरीके से स्प्रे कलर जो है करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की रिंग, और इसे चारों तरफ घुमाकर हम इसके प्रत्येक कोने पे जो है लाल कलर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जो है ये रेड कलर जो है दिखाई दे रहा है, और बहुत ही सुंदर जो है ये एलपीजी मिनी एलपीजी सिलेंडर जो है हमें नज़र आ रहा है। पूरा बनने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर पूरी डिटेलिंग में हम एज इट इज़ सेम जो सिलेंडर के ऊपर कलर होता है वो हम करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब ये लगभग पूरी तरीके से हमने इसको चारों तरफ से जो है पूरा कंप्लीट स्प्रे पेंट कर दिया है, जब ये इस तरह से नज़र आने लगा है। अब आप देख सकते हैं हम इस पे ब्लू कलर जो ऊपर की रिंग होती है उसके अंदर जो है ये ब्लू कलर इस तरीके से कर रहे हैं, और हम इसे जो है कंप्लीट जिस तरह का एलपीजी सिलेंडर नज़र आता है वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो पूरी इसकी रिंग के अंदर हम ब्लू कलर करने वाले हैं। अब हम इस पे वाइट कलर से जो लोगो होता है एलपीजी सिलेंडर का वो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जो ये लोगो नज़र आता है रेड के ऊपर, तो रेड सिलेंडर के ऊपर वाइट कलर से लोगो का जो है हमने इसके ऊपर हम बना रहे हैं। तो बनने के बाद ये काफ़ी सुंदर नज़र आने वाला है एचपी का लोगो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसे वाइट कलर से जो है बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं वाइट कलर से एचपी का लोगो जो है इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ, जो एलपीजी सिलेंडर का लोगो होता है,
वो इसके ऊपर हम वाइट कलर से बना रहे हैं, जो कि बनने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। तो हूबहू हमने कोशिश की है ओरिजिनल सिलेंडर के ऊपर जो कलर है वैसा करने की। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर जो है ये नज़र आ रहा है, HP गैस का लोगो। अब ये पूरा बनने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जो है ये नज़र आ रहा है सिलेंडर, मिनी LPG सिलेंडर पिगी बैंक के रूप में। तो रेड कलर में ये बहुत ही सुंदर जो है नज़र आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके ऊपर हम वाइट कलर से जो और भी कुछ चीज़ें लिखी होती है उनको लिख रहे हैं, केवल घरेलू उपयोग के लिए, और जो सिलेंडर का वज़न है, नेट वेट है, वो भी हम लिखेंगे इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये नज़र आ रहा है वाइट कलर के अंदर। अब आप देख सकते हैं जो सिलेंडर का वज़न है वो, और जो गैस का वज़न है वो भी इसके ऊपर लिखा जा रहा है। तो काफ़ी रियल सिलेंडर की तरह ये नज़र आएगा पूरी तरीके से बनने के बाद। तो बहुत ही सुंदर जो है कलर इन्हेंस जो है यहाँ पे कलर नज़र आ रहे हैं, रेड कलर, ब्लू, वाइट कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये कंप्लीट देख सकते हैं आप HP सिलेंडर, मिनी सिलेंडर, LPG पिगी बैंक, जिसको पहले हमने स्प्रे पेंट किया था। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।